और ज्यादा बारीकी से समझना चाहें या एक लेमैन के जबान में समझना चाहें डेटा एनालिटिक्स की फील्ड के बारे में, तो बतौर एक्सपर्ट आप किस तरह से समझाएंगे? देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा बिग डेटा होता क्या है और फिर देखेंगे कि बिग डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जो पहले समझिए कि जो डेटा क्या है, डेटा का मतलब होता है रॉ फैक्ट्स, यानी हम डेटा को एक जगह कलेक्ट करते हैं, रॉ फैक्ट होता है जिसका इस्तेमाल नहीं होता है। जब हम डेटा को प्रोसेस करते हैं और उसका मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन मिलता है, उसको हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन। तो अब जो ट्रेडिशनल डेटा था उस पर लोग काम करते थे, उसका एनालिटिक्स करते थे, एनालिसिस करते थे। उसके बाद आया बिग डेटा। बिग डेटा का करेक्टरिस्टिक्स है कि उसका वॉल्यूम वेरी हाई होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा, उसकी स्पीड जो है बहुत ही ज़्यादा होगी, उस डेटा में वैरायटी होगा, वेरासिटी होगी। ये 4V था, इसके साथ साथ बहुत सारे V आ गया। तो इस डेटा को हम कहते हैं बिग डेटा। अब बिग डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, यानी बिग डेटा को, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को हम प्रोसेस करते हैं, उसको बिग डेटा एनालिटिक्स कहते हैं। चार तरह के बिग डेटा एनालिटिक्स है। फर्स्ट वन डिस्क्रिप्टिव, सेकेंड वन प्रेस्क्रिप्टिव, थर्ड वन प्रेडिक्टिव एंड फोर्थ वन डायग्नोस्टिक। अब ये चार तरह के डेटा एनालिटिक्स लोग कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये क्या है और किस सिचुएशन में कौन से बिग डेटा एनालिटिक्स का हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव बिग डेटा एनालिटिक्स। अगर मान लीजिए कि कोई डेटा है या कोई इंसिडेंट हो गया, अब हम चाहते हैं व्हाट हैपेंड, यानी क्या हुआ, अगर आपको इसका आंसर चाहिए तब आप जाइए बिग डेटा डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के लिए। अगर आपके पास कोई इंसिडेंट हुआ और डेटा है, उस डेटा से आप चाहते हैं व्हाई इट हैपेंड, ये क्यों हुआ, तो अगर क्यों का आंसर आप चाहते हैं तो आपको यूज करना होगा डायग्नोस्टिक बिग डेटा एनालिटिक्स। कई दफ़ा क्या होता है कि आप चाहते हैं फ्यूचर प्रिडिक्शंस करना, यानी आपका डेटा है और उस डेटा को लेकर एनालिसिस करके मालूम करना चाहते हैं कि फ्यूचर में क्या होना है। तो फ्यूचर को फाइंड आउट करने के लिए व्हाट विल हैपन, इसका मतलब कि प्रिडिक्टिव बिग डेटा एनालिटिक्स का यूज करना है आपको। एंड द लास्ट फोर्थ वन प्रेस्क्रिप्टिव बिग डेटा एनालिटिक्स, यानी आप जानना चाहते हैं व्हाट शुड वी डू, यानी हमें डेटा है, डेटा को एनालिसिस करने के बाद हम जानना चाहें कि आगे क्या करना चाहिए, तो वहाँ पर हम प्रेस्क्रिप्टिव बिग डेटा एनालिटिक्स को यूज करते हैं। यानी एनालिटिक्स करने का मतलब होता है हमें एक पैटर्न को फाइंड आउट करना है और फिर देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो मार्केट को ट्रेंड देखने के लिए हम एनालिटिक्स करते हैं और जैसे जैसा सिचुएशन है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप जो भी आपका बिग डेटा एनालिटिक्स सूट करता है आप उसको यूज कर सकते हैं। जी सर, बिग डेटा एनालिटिक्स में डेटा मैनेजमेंट और डिज़ाइन थिंकिंग जैसे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिनमें इनका इस्तेमाल, बिग डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है या अहम है? देखिए, बिग डेटा का एनालिटिक्स जो है काफ़ी फील्डों में यूज हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल मैं बताऊँ आपको, हेल्थ केयर में इस्तेमाल हो रहा है, मेडिकल साइंस में इस्तेमाल हो रहा है आपका, एग्रीकल्चर में इस्तेमाल हो रहा है आपका, फिर वेदर फॉरकास्टिंग में आपका इसका इस्तेमाल हो रहा है, आपको प्रोटीन जीन एनालिसिस में इसका इस्तेमाल हो रहा है, वेस्ट मैनेजमेंट में इस्तेमाल हो रहा है, एग्रीकल्चर में हो रहा है, बिजनेस में हो रहा है। चलिए इसको हम एक इस तरह से समझते हैं कैसे लोग इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कि एक दुकानदार अपना दुकान चला रहा है, उसमें बहुत सारे मटेरियल हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और उसके पास कुरकुरा है। एक कुरकुरे को वो 9 रुपये में ख़रीदता है और 10 रुपये में बेचता है, तो उसको 1 रुपये का फ़ायदा होता है। 1 रुपये में अपना रेंट देता है और अपना बिजली का बिल देता है। एक दूसरा दुकानदार काफ़ी दिनों तक उसके कस्टमर बिहेवियर को मेजर किया, नोट किया और उसके बाद उसने एक अपना दुकान खोला। उस दुकान में वो 9 रुपये का कुरकुरे 9 रुपये में बेच रहा है। तो पहला दुकानदार परेशान हुआ कि 9 रुपये खरीद कर 9 रुपये में बेच रहा है, इसको फ़ायदा कैसे होगा। वो खुश हो रहा था, चलो कुछ दिनों बाद ही अपने आप दुकानें बंद हो जाएंगी, लेकिन फिर भी उस दुकानदार को फ़ायदा हुआ। लेकिन फ़ायदा कैसे हुआ, उसने क्या किया कि 1 महीना या 2 महीना तक कस्टमर के बिहेवियर को नोट करता रहा कि कस्टमर अगर कोई प्रोडक्ट लेने जाता है तो क्या देखता है। तो उसने एनालिटिक्स के बाद उसको पता चला कि कस्टमर सिर्फ प्राइस पे फोकस कर रहे हैं, क्वांटिटी पे फोकस नहीं कर रहे। तो उसने क्या किया कि जो 9 रुपये का कुरकुरा मिलता था और उसको लेकर 10 रुपये बेचता था, उसने क्या किया, उस कुरकुरे के पैकेट को कस्टमाइज कराया। उसने कहा कि अब 9 ग्राम 9 रुपये में दे रहे हैं तो मुझे 8 ग्राम 8 रुपये में दे दीजिए। तो साइज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि एनालिटिक्स से रिजल्ट आया। फिर उसको
बेचना शुरू किया, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस, जितना उसको फायदा हो रहा था उतना इसको भी फायदा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो रोल रहा बिग डेटा एनालिटिक्स का, तो इस तरह से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जी।